हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर सोनी सिंह। बी एच यू का जो प्रेफरेंस सब्जेक्ट का प्रेफरेंस का है, उसका जो है टैब खुल रहा है। जितने भी बी एच यू के ऑनलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग के जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रेफरेंस भरना है। आप परेशान मत होइएगा, एकदम बिल्कुल हद मत हड़बड़ाइए और बहुत आराम से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। मैं जैसे जैसे काउंसलिंग चलेगी आप लोगों को प्रोसीड बताता चलूँगा। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि शेड्यूल आ गया है यूजी का, अंडर ग्रेजुएट का, और पोस्ट ग्रेजुएट का नहीं आया हुआ है अभी। पोस्ट ग्रेजुएट का धीरे धीरे खुलेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपको फ़ील करना है, ठीक। मेरा वीडियो आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। किसी भी हालत में पहले आप चाहे बीए आर्ट्स का भरेंगे प्रेफरेंस, चाहे बीए सोशल साइंस का, चाहे बीएससी मैथ्स का, चाहे बीएससी बायो का या बीकॉम का। मैं एक एलएलबी का करके दिखा रहा हूँ, चूँकि एलएलबी में सिर्फ मेन कैंपस है, ठीक है, इसलिए एक ही दिखाएगा। आप किसी भी हालत में पहले फ्री सीट भरेंगे, भले ही आपकी कितनी कम रैंक हो, ठीक है। पहले आप पूरी फ्री सीट भरिएगा, ठीक। पहले मेन फैकल्टी भरिएगा, जो मेन फैकल्टी होगी वो किस तरह लिख के आएगा मैं बताऊंगा। अफिलिएटेड कॉलेजों में कॉलेजों का नाम लिख के आएगा, एमएमबी में एमएमबी का नाम लिख के आएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, एलएलबी का मैं दिखा देता हूँ, ठीक है तो मेरा ही, लेकिन मैं आपको बस इतना बता दूंगा कि किस तरह ये होगा, ठीक है। और चूंकि मेरे पास बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस या बीएससी मैथ्स का कोई लॉगिन है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा। लेकिन काउंसलिंग कैसे आप प्रेफरेंस भरेंगे इसको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन में आप यूजी स्टूडेंट पे लॉगिन करिएगा, ठीक। इसमें आप नीचे जाएंगे, यहाँ लिखिएगा साइन इन। साइन इन करेंगे, यहाँ वही ईमेल एड्रेस डालिएगा जिससे आप फॉर्म भरे हैं या जिससे आप एडमिट कार्ड निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, मेरा पासवर्ड रिमेंबर है, ठीक है। ये देखिए खुल के आ गया, ठीक। तो इस तरह से खुल के आएगा, ये कॉल लेटर आएगा और एक प्रेफरेंस एंट्री खुल के आएगी। आप प्रेफरेंस एंट्री पे क्लिक करिएगा, ठीक। प्रेफरेंस एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिख के आएगा, देखिए। क्योंकि मेरे पास जो लॉगिन है वो एलएलबी का है, इसलिए मैं एलएलबी का ही करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें फिर गो करिएगा आप, फिर आपसे पूछेगा, देखिए ये लिख के पूछ के यहाँ पे, चूँकि फैकल्टी ऑफ लॉ में सिर्फ अंदर एक ही है, एक ही लॉ है, बाहर तो कुछ होता नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रेगुलर प्लस पेड, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना बता दूंगा कि आप पहले रेगुलर भरिएगा, बाद में पहले देखिए पहले रेगुलर भरिएगा मेन कैंपस, फिर रेगुलर भरिएगा यदि लड़कियाँ होंगी तो एमएमबी, ठीक है। फिर जो है आप मेन कैंपस के अंदर पेड भरिएगा, ठीक। फिर मेन कैंपस एमएमबी भरिएगा लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए पहली प्रेफरेंस एंट्री जो है, लड़के सुन ले, लड़कों के लिए पहली प्रेफरेंस एंट्री मेन कैंपस होगा फ्री। फिर इसके बाद यदि आपको बाहर डीएवी में कराना होगा तो वो फ्री ले लीजिएगा। फिर इसके बाद कैंपस में पेड लीजिएगा। पेड में क्या होता है कि कुछ ज़्यादा पैसा आपकी फ़ीस लगेगी, दो चार सीटें रहेगी, अगर आपको मेरिट मिलेगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको एंट्री करेंगे तो ऐसे खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत मत हड़बड़ी करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो, अगर आपको पर्सनली कोई फील करवाना भी हो तो भी आप ट्रस्ट करके दे सकते हैं, मैं आपको आराम से भर के बता दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। और मैं बस यही कहूँगा आपसे, चाहे बीएससी की हूँ आप, चाहे बीए की हूँ, चाहे बीएससी मैथ्स बायो हो या बीएससी बीए सोशल साइंस आर्ट्स हो, किसी भी हालत में पहले कैंपस का फ्री लीजिएगा, ठीक। इसके बाद लड़का हो है तो इसके बाद जो है कैंपस का ही पेड लीजिएगा, क्योंकि भाई 2-4 हज़ार बेसी लग के कैंपस में ही आप पढ़ेंगे। फिर बाहर जाइएगा आप, फिर उधर का फ्री और पेड लीजिएगा। लड़कियों के लिए पहले मेन कैंपस लीजिएगा फ्री, फिर महिला महाविद्यालय लीजिएगा फ्री, फिर मेन कैंपस लीजिएगा पेड, फिर महिला महाविद्यालय लीजिएगा पेड। इसके बाद यदि आपको बाहर जाना हो बसंता में, डीएवी में और बसंता कॉलेज ऑफ वुमेन में, राजघाट में और आर महिला में, तो वहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि
सबका काउंसलिंग, यूजी के सबके काउंसलिंग का जो है आ गया है, और आप यूजी का अपना शेड्यूल देख सकते हैं। और प्रेफरेंस ऑर्डर है, प्रेफरेंस ऑर्डर हड़बड़ी मत करिएगा, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, आराम से भरिए आप लोग। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और यही आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपको यूजी का शेड्यूल देखना है या यूजी, ठीक है, यहाँ यूजी का शेड्यूल देखना है तो यूजी पे क्लिक करिएगा। यहाँ जिस सब्जेक्ट का देखना है, जैसे मान लीजिए आप बी ए आर्ट्स का देखना चाहते हैं, ठीक है, बी ए आर्ट्स का देख के यहाँ क्लिक करिएगा, तो आपको जो है देखिए यहाँ पूरा खुल के आ जाएगा। आपकी जिस दिन जो है रहेगा, ये लगभग 120 मार्क्स तक आया हुआ है, 120, 25% तक लोग कट ऑफ किए हैं, तो 120 मार्क्स तक आया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिए, कोई नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।